शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। और जनाब देखिए हम जा रहे हैं कहाँ। ये तो है अभी सीक्रेट कि हम जा रहे हैं कहाँ, और कहाँ की हो चुकी है तैयारी शुरू। और ये आप लोगों को बहुत जल्द पता लगने वाला है। आई होप यू कीप वॉचिंग एंड आई विल लेट यू नो लेटर। यहाँ पर जो है ना, ये देखिए जनाब, मेरे जो है ना सारा अमेज़ॉन रिटर्न पड़ा हुआ है। जो मैंने वो चेयर्स वगैरह सब बनाई थी वो कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं ख़ास किसी को, तो वो सब वापस जा रही हैं। और वेदर हो रहा है ठंडा ठंडा, बारिश हो रही है मज़े मज़े की। तो वेदर जो है ना अचानक से चेंज हो गया है। अभी दो दिन से जो है ना अच्छी गर्मी हो रही थी, यानी 70s 80s में जा रहा था टेम्परेचर, और आज अचानक से 50s में चला गया है। तो मगर अच्छा भी लग रहा है, दो दिन तीन दिन के बाद गर्मी के बाद जब ठंडा ठंडा वेदर आता है तो अच्छा लगता है। और जनाब यहाँ आ गई थी मियाँ जी की फरमाइश के बनाई जाए फ्राई फिश, तो हमने सोचा क्यों नहीं, और बस उसी की तैयारी चल रही थी साथ साथ फ्राई फिश की। और थोड़ा थोड़ा बीमार पड़े हुए हैं, खांसी जो है वो जान नहीं छोड़ रही है यार। इतना लंबा टाइम ले जाती है खांसी जो होती है ना, बस ये बिल्कुल भी जो है ना, आप कुछ भी कर लें इसके साथ ये बस अपने टाइम पर ही जाती है। तो आजकल जब खांसी की कोई मेडिसिन दवा शवा पी के रात को सो जाओ, नॉर्मली तो रात में ही लेने के लिए होती है, मैं रात में ही क्योंकि सारा दिन कामों में बच्चे में सब गुजर जाता है, इवन रात में भी मुश्किल होती है क्योंकि उसको पीने के बाद चाहे आप नॉन रोजी भी क्यों ना ले लो आपको नींद आ ही जाती है, और बहुत मुश्किल होती है यार खांसी की दवा पीना एक हाउसवाइफ के लिए। मैं समझती हूँ क्या आपको एंटी एलर्जी या कोई खांसी की दवा कफ सिरप नहीं ले सकते, सिर्फ नींद का प्रॉब्लम होता है, और मुझे नॉन ड्रॉजी से भी नींद आ जाती है। तो ये देखें इस तरह से जो है ना, ये कट फ्ले इस तरह से मिलते हैं पैक सेपरेटली, बहुत क्लीन होते हैं, सब कुछ होता है अच्छे से, और बस आप उसको निकालें, वॉश करें और स्टार्ट प्रिपरेशन। तो मैंने बस यहाँ पर सिरका डालती हूँ मैं हमेशा अच्छे से, तो सिरका वगैरह डालने से क्या होता है कि जो है वो स्मेल चली जाती है फिश की ना, तो सिरका डालना सही रहता है। ऐसे कभी आप चिकन टिक्का वगैरह भी बनाएं तो वो थोड़ा टेंडर भी कर देते हैं उसको, और स्मेल भी निकाल देते हैं, और थोड़ा सा जो एक स्मेल वो आता है ना गोश्त के अंदर खट्टापन, तो वो खटास भी आती है, जैसे आपको लेमन की चाहिए होती है ना, तो ये सिरके से अंदर तक चली जाती है। तो ये एक अच्छी टिप थी, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कॉमेंट में मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ मैंने जो है ना ये फ़िश, यार हमारी बिल्कुल पाकिस्तान की जैसे फ़िश नहीं होती जैसे वहाँ पर मिलती है, रोहू फ़िश या इस तरह से, और क्या बोलते हैं दूसरी फ़िश का नाम मैं भूल गई, मुझे फ़िशेस के नाम अब याद नहीं है। तो मैंने जो है ना ये बस लजीज़ा का मसाला इसके साथ मंगा लिया था, क्योंकि यहाँ की एक तो फ़िश इतनी फीकी होती है, फिर आप उसके ऊपर अगर अपने घर के मसाले लगाएं तो बहुत, यानी वो पाकिस्तान का टेस्ट नहीं आता। मसालों का टेस्ट इस वजह से भी नहीं आता है कि यहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी जो रेगुलर मसाले मिलते हैं ना हमारे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के होते हैं, तो उनमें वो खुशबू नहीं होती, उनमें वो कलर नहीं होता, उनमें वो मज़ा नहीं होता, फ्लेवर्स नहीं होते, तो इस वजह से हमें पैकेट यूज़ करना पड़ जाता है अपना पाकिस्तानी फ्लेवर लाने की वजह से। कभी कभी मैं सोचती हूँ लोग बोलते होंगे कि इतना डब्बा डब्बा यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मेन वजह ये है खाने की कि जो है ना डब्बा यूज़ करने की, स्पेशली ऐसी चीज़ों में जो कि निहारी हो गई, बिरयानी हो गई या फ़िश फ्राई हो गया है, इन सब में ये सब चीज़ें डब्बा यूज़ करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप हमें जो है ना वो हमारा पाकिस्तान वाला टेस्ट मिल जाए, तो दैट्स वाई हम इसको ज़्यादा थोड़ा सा यूज़ करते हैं। और फिर पता है हस्बैंड्स लोग आदमी लोगों को जो है ना नहीं समझ आता है घर का बहुत सादा सूदा सा खाना, दे वॉन्ट समथिंग स्पाइसी चटपटा और रेस्टोरेंट स्टाइल, तो बस इसलिए भी यूज़ करना पड़ता है। तो जनाब ये देखें कितनी अच्छी फ़िश फ्राई हो रही है, मज़ेदार सी। इसके साथ मैंने जो है ना साइड पे बना लिया था ब्राउन राइस, पुलाव के जैसे करके बना लिए थे, प्याज व्याज ब्राउन करके उसके अंदर खड़ा गर्म मसाला वगैरह डाल के, तो बस उसके साथ मैंने ये राइस किए थे।
खाना पीना करने के बाद हम लोग जो है ना बस निकल आए रात में, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी क्योंकि पता है ना हम कहीं जा रहे हैं, तो बस इस वजह से शॉपिंग करने के लिए थोड़ा सा निकल आए। और आपको पता है ये वॉलमार्ट है, यहाँ पर स्टोर बहुत ही फेमस वॉलमार्ट है, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में भी होता होगा आई थिंक, या इसके सिमिलर दूसरे नाम से, मगर इस टाइप के ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं ये लाइक हर चीज़ मिलती है यहाँ पर तो, और अच्छी क्वालिटी भी होती है, अच्छे प्राइसेस भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर समझ लें आप अपने बेटे की आफ्टर लाइक ही इज़ 7 मंथ ओल्ड नाउ, तो मैं कोई 7 महीने 8 महीने के बाद जो है इस स्टोर का विजिट कर रही हूँ, और इन्होंने इसका लुक ही बदल दिया, लाइक इट्स कम्प्लीटली गिव मी अ मॉल लुक ना। आप लोगों की तरफ भी, अगर जो ओवरसीज़ में लोग रहते हैं, अगर आप लोगों की तरफ भी वॉलमार्ट का इस तरह का लुक हो गया तो बताइएगा। दे इवन कीप लाइक, अब उन्होंने कीप करना शुरू कर दिए, एक हाई ब्रांड भी लाइक रिबॉक रखा हुआ था, क्लेयर्स का सामान था, जस्टिस का सामान था एंड अडिडास का सामान था, काफ़ी सारा जो है मैंने देखा कि ब्रांड्स भी अच्छे वाले आ गए हैं। और बिल्कुल वॉलमार्ट का ना फ्लोर प्लान ही चेंज कर दिया था, लाइक आई वॉज सो अमेज, बहुत अच्छा लुक आ रहा था। और ये विंटर की स्लीपर्स मेरी बेटी को पसंद आ गई, तो वो बस थोड़ा सा उनको पहन के जो है ना फन फन करने लग गई वहाँ पर, तो मैंने कहा ज़रा देखें कैसी स्लीपर्स आई हुई हैं यहाँ पर। आज उनको शौक चढ़ा था कि आप मेरी भी जो है ना वॉइस डालिएगा अपनी वीडियो के अंदर, तो उनकी भी ख्वाहिश को पूरा कर दिया मैंने, तो उनकी आपने आवाज़ सुन ली, तो कमेंट में बता दीजिएगा कैसी आवाज़ लगी उनकी बेटी साहिबा की हमारी। तो बस यार मैं कहती हूँ इस अमेरिका में ना, अमेरिका में क्या बाहर मुल्कों में ना, जितना काम आदमी लोग करते हैं उतना ही काम औरतें लोग भी करती हैं, खुदा की कसम, जो है ना काम है जो कि ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेते, और आपको सुबह से शाम टाइम का वक्त का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ वक्त गुजर जाता है, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ तो और भी नहीं पता चलता। तो चले जनाब यहाँ से मैं लेती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ जल्द हाजिर होंगी। आप भी जाइए मछली वछली बनाइए, खाइए, सर्दी का मज़ा लीजिए, इंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।